हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं जो है आपके लिए लेके आया हूँ आंसर ऑफ असाइनमेंट बीकॉम सेकेंड ईयर एनअल मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका कोड है ई सी टू जैसा कि चार क्वेश्चंस है सौ नंबर के लिए जिसमें से सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चंस करना है तो मैं दो क्वेश्चंस का ही आंसर कराऊंगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन जो है ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर टू भी है डिस्टिंग बिटवीन डीवल्यूशन डेप्रिशिएशन क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर करेक्ट है तो आइए फटाफट आपको आंसर दिखा दूँ यहाँ पे आप चाहो तो इस आंसर को वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो करेक्ट ये रहा आंसर इसका जो सब्जेक्ट कोड है सब्जेक्ट कोड इज ई सी टू दैट इज़ एनुअल मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है जी बीकॉम कॉम सेकेंड ईयर इसमें जो मैंने आंसर्स करवाया है आपको वो है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट करेक्ट है इस वीडियो को आप पॉज करके जो है आंसर कॉपी कर सकते हो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में कि अगर आपको पी फ़ाइल चाहिए करेक्ट है तो पी फ़ाइल जो है आप इस आंसर शीट का कैसे प्राप्त कर सकते हो तो अभी बस थोड़ी देर में आप जो है वीडियो को पूरा देखो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ करेक्ट है ये बी पार्ट का आंसर हो गया आपका उसके बाद बी पार्ट के बाद ए का जो सी पार्ट है दैट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप तो उसका आंसर जो है पेज नंबर फाइव पे है ये रहा आपके पास करेक्ट है इसके अलावा पार्ट डी का आंसर जो है फ़िक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम किसे कहते हैं ये रहा जिन लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए इस आंसर शीट का करेक्ट है तो आप मेरे को क्या कर सकते हो फटाफट फड़ जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ और डी करो मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है वो है कॉमर्स बैक बेंचर्स करेक्ट है तो क्विकली जो है आपको उस पर जाना है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर टेलीग्राम से भी आप जो है टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो आप बट बेटर वन इंस्टाग्राम पे जाओ फटाफट फड़ डी करो जल्दी से तो मैं आपको जो है इसका पी फाइल जो है शेयर कर दूंगा करेक्ट है आगे बात सुनने उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है एक्सप्लेन परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पार्ट ए तो इसका आंसर ये रहा आपके पास इसके बाद पेज नंबर एट पे आते हैं पेज नंबर एट ये रहा करेक्ट है आई होप जो है आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इस वीडियो को देख के तो जाते जाते आपको क्या करना है लाइक भी कर देना है वीडियो को और साथ साथ में आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो है बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है असाइनमेंट्स के आंसर मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिस नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इवन जो है मैंने कई सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो आई बटन में मैंने जो है ऑलरेडी जो है लिंक भी दे दिया है अदर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स के तो आप जो है अदर सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी जो है आप इजीली वहाँ से आप अपना आंसर जो है कॉपी कर सकते हो और साथ साथ में आपको कोशिश करना है जो आप असाइनमेंट लिखोगे उसका जो है आंसर जो है बढ़िया से हैंड राइटिंग बना के लिखना है सो दैट आपको जो है नंबर जो है बढ़िया आएगा इस बार जो है परसेंटेज आपको इनक्रीज करने का मौका है तो आप जो है अपने आंसर शीट को जो है अच्छे से लिखो बढ़िया प्रजेंटेशन बनाना है साथ में कोशिश करो जितना लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हो करेक्ट है शॉर्ट आंसर लिखोगे तो नंबर भी शॉर्ट आएगा इसलिए प्लीज़ ज़्यादा शॉर्ट आंसर मत लिखना आप कोशिश करो जितना ज़्यादा ज़्यादा लॉन्ग आंसर आप लिख सकते हो करेक्ट है क्योंकि थ्योरी वाला पेपर है तो थ्योरी पेपर में आप जितना ज़्यादा पेजेस लिखोगे कोशिश करना है इकनॉमिक्स में ग्राफ भी बनाना है तो मैंने ग्राफ भी इसके अंदर जो है दे दी है आंसर में सेकेंड जो है बी पार्ट है वॉट इज मनी एक्सप्लेन इट्स फंक्शन तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों वाला सवाल है ये तो ट्वेल्थ क्लास का भी है बट आपको जो है ट्वेल्थ क्लास के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखना है क्योंकि ये ट्वेल्थ पॉइंट फाइव मार्क्स का एक क्वेश्चन है क्योंकि टोटल ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन थर्ड में दो पार्ट है तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव मार्क्स के हो गए तो आपके इसी हिसाब से जो आपको आंसर लिखना है तो ये रहा आपके पास फिर उसके बाद पेज नंबर फिफ्टीन पर आ गए ये सारी चीज़ें हैं आई होप इससे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगा <coughs> जाते जाते आपको जो है सब्सक्राइब भी कर देना है मेरे चैनल को साथ में जिन लोग को मेल पे चाहिए ये पी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है अपना मेल आई भी लिख सकते हो करेक्ट है तो इसलिए जो है फ़टाफट क्या करो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाना है और भाई साहब क्या करो फटाफट मेरे को डीएम करो अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो इन पीडीएफ फॉर्मेट करेक्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा उसके अलावा मैंने जो है अलग से क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए का भी आंसर यहाँ पे लिख दिया है वैसे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन का आंसर करना है क्वेश्चन नंबर वन और थ्री मैंने सबसे ऊपर में आपको आंसर दिखा दिया है बट जो लोग क्वेश्चन टू का आंसर लिख रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन टू का पार्ट ए भी मैंने इस वीडियो में जो है कवर करा दिया करा है पार्ट बी का आंसर नहीं कवर कराया है करेक्ट तो इसलिए बेटर वन इज क्वेश्चन नंबर वन का और थर्ड का आंसर आप अपने असाइनमेंट में लिखना है ओके थैंक यू हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ऑल दी बेस्ट